हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने परिवहन को दी अनुमति, लॉकडाउन में नहीं आएगी जरूरी वस्तुओं में कमी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सभी सामानों के परिवहन को अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक सभी सामानों के परिवहन की अनुमति देने के लिए कहा गया है। सभी राज्यों के अंदर एवं बाहर आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुओं के आवागमन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए छूट दी जाएगी। गृह सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रिंट मीडिया को अखबारों के वितरण की अनुमति है। भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि दूध एकत्रित करने और वितरित करने की अनुमति है, जिसमें इसकी पैकिंग सामग्री भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक सभी सेवाओं एवं वस्तुओं संबंधित विनिर्माण परिवहन वितरण भंडारण कारोबार एवं साजो सामान के लिए आवश्यक निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि हाथ धोने, साबुन, कीटाणु नाशक, ओरल केयर आइटम, बैटरी सेल और चार्जर और स्वच्छता उत्पादों सहित किराने के सामानों के परिवहन की भी अनुमति है। तो दोस्तों लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सभी सामानों के परिवहन को दी जाने वाली अनुमति के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, गरीबी से कोई अगर मकान का किराया नहीं दे पाता है तो सरकार करेगी भरपाई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मकान मालिकों से अपील की है कि वे पैसे के लिए किराएदारों को घर से न निकालें। उन्होंने कहा कि गरीबी की वजह से कोई किराया नहीं दे पाता है तो इस बीमारी का संकट टलने के बाद दिल्ली सरकार इसे चुकाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली छोड़कर जा रहे लोगों से अपील की है कि वे कहीं न जाएं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने अभी स्कूलों में भी रहने का इंतजाम किया है, जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े स्टेडियम भी खाली करा लिए जाएंगे। दिल्ली में किसी को रहने व खाने की दिक्कत नहीं होगी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के उस वाक्य को इस बीमारी से बचने का मंत्र बताया जो उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा के वक्त कहा था कि जो जहां है वो वहीं रहे। तो दोस्तों केजरीवाल के द्वारा की जाने वाली इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ड्यूटी पर लगाए गए सभी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का 50 लाख का बीमा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रविवार को इस बीमारी के वॉरियर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए सभी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख का बीमा घोषित कर दिया है। यह बीमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किया जा रहा है जो आज से ही लागू हो जाएगा। इसके तहत देश भर के तकरीबन 22.15 लाख लोगों को इसका कवर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमा में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, अधिकारियों, एनजीओ, स्वयंसेवी वर्कर्स, वॉलंटियर्स को भी कवर किया जाएगा। यानी ऐसे लोग जो इस बीमारी के खिलाफ मुहिम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वह सभी इसके दायरे में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से आज जारी एक पत्र में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ नर्सिंग होम और निजी चिकित्सा केंद्र के वह कर्मचारी भी इसके दायरे में होंगे जो इस बीमारी के खिलाफ मुहिम में अपनी सेवा दे रहे हैं। यह बीमा कवर अगले 3 महीने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और यह राशि उन लोगों के परिवारों को मिलेगी जिनकी इस दौरान इस बीमारी से या किसी और वजह से मौत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बीमा कवर पहले से किए गए सारे बीमा कवर के अतिरिक्त होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी का निर्देश, अब यूपी में जो जहां है वह वहीं रहेगा, बाहर से आने वालों पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में 1 मार्च के बाद से आए हर नागरिक की जाँच होगी, जिसके ऊपर संक्रमण का जरा भी शक होगा तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा।
सरकार ने अब जो यहाँ है उसको वहीं रोकने को कहा है। अब 14 दिन बाद ही गांव घर जा पाएंगे। मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अब गृह जिले में लौटने वालों को वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही अब किसी को भी 14 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लोग केरल में रह रहे हैं या देश के किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, वे लोग लॉकडाउन की इस कार्यवाही का पूर्णतः पालन करें। उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी जहां पर है वे वहां पर ही प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी के संपर्क में रहें। उनको हर प्रकार की मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश सारा खर्च वहन भी करेगा। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए इस सख्त कदम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स। 31 मार्च तक कैसा रहेगा दिल्ली NCR का मौसम, जानें पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ तेज गर्मी भी अब दस्तक देने जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, साथ ही तापमान फिर बढ़ेगा। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गर्मी बढ़ने के बीच आगामी 31 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मार्च माह में अभी तक दिल्ली में 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि मार्च माह में अभी तक की सर्वाधिक है। लॉकडाउन और मौसम में बदलाव से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार सुधर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स सिर्फ 69 दर्ज किया गया। NCR के शहरों में फरीदाबाद का 75, गाजियाबाद का 72, ग्रेटर नोएडा का 93, गुरुग्राम का 42 और नोएडा का 60 दर्ज किया गया। सभी जगहों की हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। IOCL ने कहा, घबरा कर LPG बुकिंग की जरूरत नहीं, पेट्रोल डीजल LPG की है पर्याप्त उपलब्धता। जी हां दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उनका यह बयान काफी अहमियत रखता है कि देश अभी 21 दिन के लॉकडाउन का सामना कर रहा है और कुकिंग गैस की मांग में अचानक भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंह ने कहा है कि सभी प्लांट्स एवं सप्लाई लोकेशन चालू है। सिंह ने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और ग्राहकों को अफरा तफरी में LPG रिफिल की बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा, हमने पूरे अप्रैल महीने और उसके बाद भी सभी तरह के ईंधन की जरूरत का आकलन किया है। मांग को पूरा करने के लिए हमारे रिफाइनरी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी बल्क स्टोरेज पॉइंट्स, LPG डिस्ट्रीब्यूशन शिप और पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में सोना 2340 रुपए और चांदी 4260 रुपए उछला। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के सराफा बाजार में भी लॉकडाउन है, लेकिन इस बीमारी का असर सोने चांदी के वायदा कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में सोना प्रति 10 ग्राम 2340 रुपए उछल चुका है, वहीं चांदी वायदा में बड़ा उछाल देखने को मिला है। सिल्वर 999 पिछले हफ्ते में 37,140 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 41,400 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि 20 मार्च को ये 37,140 रुपए पर था। इस हफ्ते इसकी कीमत में 4260 रुपए का उछाल आ चुका है, यानी आने वाले दिनों में सोने चांदी के सस्ते होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंदौर में 3 दिन पूरा लॉकडाउन, 1 अप्रैल तक दूध फल सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगा, घर से निकलने पर हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर इंदौर अब अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। शहर में 1 अप्रैल तक किराना, सब्जी, दूध डेयरी व अन्य किसी भी सामान की बिक्री नहीं होगी और न ही होम डिलीवरी मिलेगी। पेट्रोल पंप भी 7 जगह खुलेंगे और वह भी केवल अनिवार्य सेवा वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल देंगे। ये फैसला रविवार शाम कमिश्नर आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शाहीन बाग इलाके में लगी भीषण आग। जी हां दोस्तों, देश भर में पिछले कुछ दिनों से NRC और CAA को लेकर चल रहे विरोध को लेकर चर्चा में रहे शाहीन बाग इलाके में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई। इस दौरान लोगों ने दमकल को तुरंत सूचित किया, जिसके बाद मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग एक दुकान में लगी और देखते ही इसने विकराल रूप ले लिया।
जानकारी के अनुसार इलाके में आग की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। करीब 8:46 पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग एक फर्नीचर की दुकान में लगी, हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल CEO सुंदर पिचई ने किए वादे, इस बीमारी से निपटने के लिए करेंगे 5,900 करोड़ रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, इस बीमारी ने दुनिया पर गंभीर प्रभाव डाला है। इससे निपटने के लिए हर दिन सरकारें, संगठन और लोग मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने छोटे एवं मध्यम उद्यमों, स्वास्थ्य संगठनों एवं सरकारों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए 80 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने की बात कही है। सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पिचाई ने अपने ब्लॉग में पोस्ट में लिखा, दुनिया भर में छोटे एवं मध्यम कारोबार को गूगल एड क्रेडिट के रूप में 34 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ये राशि उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जिनके अकाउंट पिछले एक साल से एक्टिव हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के दौरान होगा 10 बड़े बैंकों का विलय, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे सभी के नाम। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट और लॉकडाउन के बीच देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार 1 अप्रैल को बैंकों का विलय कर देगी। सरकार के इस कदम से देश की बैंकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। अप्रैल महीने की शुरुआत में 10 बैंकों का विलय करके 4 नए बैंक बनाए जाएंगे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। इस विलय के बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जबकि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ मर्जर हुआ है। इसी के साथ इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में हुआ है और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉन्चिंग से पहले लीक हुई सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट के स्पेसिफिकेशन। जी हां दोस्तों, साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग जल्दी अपने नए टैबलेट S6 लाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले जर्मन पब्लिकेशन ने इसकी स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। इससे पिछले साल लॉन्च हुई गैलेक्सी टैब S6 के अफोर्डेबल वर्जन के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा। इस टैब में 10.4 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और एस पेन सपोर्ट भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक्सिनोस चिन्ह में 11 प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि फिलहाल इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन कई सारी सर्टिफिकेशन साइट्स पर इसे स्पोर्ट किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों अभी तक की सभी प्रमुख बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।